तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल में पूरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ये बहुत ही बड़े खुशी की बात है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन बहुत ही सिंपल और पावरफुल गन बनाकर दिखाने वाला हूँ और ये तीनों गन वाकई में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मस्त आपको लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक मैच बॉक्स ले लिया, उसको मैं खाली कर दे रहा हूँ। सो उसके बाद हम यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम इसके सेंटर में एक होल बना लेंगे। सो मैंने यहाँ पर होल बनाने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया है। सो आप देख सकते हैं मैंने इसके सेंटर में होल बना लिया है। सो उसके बाद कुछ इस तरीके से हम इसमें चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैंने फेविगम की मदद से इसे यहाँ पर चिपका दिया है। तो अब हम इसे सूखने के लिए रख देते। तो मैं एक पेन ले लिया और इसे तो इस पेन के सारे पार्ट्स को आपको खोल लेना होगा। तो उसके बाद हमें इस पेन को कुछ इस तरीके से इस होल से यहाँ पर इसके अंदर डालना होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फेविक्विक की जरूरत पड़ेगी। फेविक्विक की मदद से हम इसे चिपका देंगे ताकि ये निकले नहीं और अच्छे तरीके से चिपकाएंगे। सो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लीड ले लिया है और कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने दो रबर बैंड लिया और इसमें गांठ मार दिया। तो इसे मैं अभी साइड में रखता हूँ। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पिन की। सो मैंने यहाँ पर एक पिन निकाल लिया और यहाँ पर मैंने इनके दोनों साइड की ओर से इसे खोल दी, थोड़ा थोड़ा सा खोल दिया। सो उसके बाद हम दोनों रबर बैंड को लेंगे और यहाँ पर इसे बांध देंगे। तो उसके बाद हम वो पिन लेंगे और कुछ इस तरीके से एक वाले छोर को यहाँ पर इस रबर बैंड में यहाँ फंसा लेंगे और इसके दूसरे वाले छोर को हम पैन में इस तरीके से डाल देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसमें डाल दिया। तो उसके बाद हम वो लीड को दोबारा लेंगे और इसके अंदर डालकर इसे कुछ इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मस्त और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गन है दोस्तों। तो आप यहाँ पर इसकी टेस्टिंग भी यहाँ पर देख सकते हैं तो ये कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये गन के लिए आपको एक वीडियो को एक लाइक जरूर करना होगा। तो दोस्तों इस वाले गन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो स्केल का यूज किया है जो कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके पास मिल जाएगी। बस आपको एक रबर बैंड लेना है और कुछ इस तरीके से इसमें बांध देना है। हम एक दूसरा रबर बैंड और लेंगे और कुछ इस तरीके से इसके उल्टे में यहाँ पर इसे बांध देंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से इसमें बांध दिया है। सो उसके बाद कुछ रबर बैंड्स की जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ इस तरीके से इसमें इसके आगे यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो आगे आपको पता चल जाएगा कि ये गन किस तरीके से वर्क करती है। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और ये गन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनी है दोस्तों। तो इस वाले गन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिवाइडर का यूज किया जो कि आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स से आसानी से मिल जाएगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रबर बैंड ले लिया है। सो इस रबर बैंड को लेने के बाद मैंने यहाँ पर इन दोनों छोर में कुछ इस तरीके से इसे बांध दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांधने के बाद मैंने यहाँ पर दोनों फेविक्विक से चिपका दिया है। सो उसके बाद हम यहाँ पर एक पेपर लेंगे। सो इस पेपर को लेने के बाद मैंने दो बार फोल्ड कर दिया था और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप इस रबर बैंड में कुछ इस तरीके से इसे रख कर इसका इस्तेमाल कर सकते थे। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर एक स्लिंग शॉट बन चुकी है। तो ये वाला स्लिंग शॉट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था दोस्तों। तो आप इसे जब बनाओगे यूज करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से वर्क कर रही है और यह बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये तीनों गन्स में से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा गन आया हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा और इस वीडियो को एक लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।